हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी हम लोग कहाँ पे आए हैं दिव्यांश? मार्शल आए हैं। या टुडे इज अ वीकेंड, इज अ संडे। या तो बहुत ही अच्छा सनी वेदर है। दिस इज इको पार्क। नेक्स्ट वी आर गोइंग, या फर्स्ट विल गो टू मार्शल, विल डू सम शॉपिंग एंड देन विल गो टू इस्को पार्क। यस, दिव्यांश विल प्ले फॉर सम टाइम। इट्स बीन अ व्हाइल, दिव्यांश हैज नॉट प्लेड आउटसाइड। या दिव्यांश विल प्ले। तो चलिए गाइस हमारे साथ, देखते हैं आगे हम लोग फिर क्या क्या करते हैं, है ना दिव्यांश? या सी यू, बाय बाय। यू वांट टू से हाय? हाय हाय, बाय बाय, सी यू गाइस। Look at Divyansh. How's he playing? Oh my god. Oh my god. Wow, Divyansh. Divyansh is first. Papa is last. Yay, Divyansh. You are first, Divyansh. Yay. Say yay. Oh my god, Divyansh is tired. Yes. Papa is also tired. Who's the winner? Divyansh. Come on, Divyansh. Yes. Come on, Divyansh. You can do it. Come on. सो गाइज, यहाँ पे हम लोग की शॉपिंग भी डन हो गई और हमने थोड़ा सा पार्क में भी प्ले किया। बहुत दिनों बाद दिव्यांश ने पार्क में प्ले किया और अभी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। तो चलिए चलते हैं घर की तरफ, कुछ अच्छा सा बनाया जाए। तो आज यहाँ देखिए, मैं यहाँ पे आज बना रही हूँ आलू टिक्की बर्गर। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आलू ले लिया था बॉईल करके। यहाँ पे मैंने 3 to 4 आलू ले लिया था बॉईल करके। इसे मैं अच्छे से मैश कर दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने फ्रोज़न ग्रीन पीस लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अभी इसके साथ मैंने सोक किया हुआ पोहा लिया था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्ट,
थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने कोरिएंडर पाउडर, और थोड़ा सा यहाँ पे गरम मसाला पाउडर, और थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और इन सब को अभी हम लोग अच्छे से मैश कर लेंगे हाथों से, ऐसे इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए इसको मैं किस तरह से अच्छे से मैश कर रही हूँ। तो मेरे फ्रोज़न पीस थे तो इसको भी ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है, ये अच्छे से मैश भी हो गए हैं। थोड़ा सा मैं अनियंस और कोरिएंडर लीव्स भी मैंने ऐड कर दिया है, और इसे भी मैं इसमें अच्छे से मिक्स करके मैश कर लूँगी। और यहाँ चलते हैं, हम लोग स्लरी बनाएंगे एक कॉर्न स्टार्च यानी कि कॉर्नफ्लोर और मैदा की। तो उसके लिए मैंने मैदा 2 टेबलस्पून और कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून ले लिया था इक्वल क्वांटिटी में, और थोड़ा सा यहाँ पे पेपर पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक अच्छी सी पतली सी स्लरी बनाएंगे। तो हम लोग जो टिक्की बनाएंगे उसे हम लोग इस स्लरी में डिप करके हम लोग इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्लरी तैयार कर ली है, यहाँ पे मैं देखिए टिक्की बना रही हूँ। तो टिक्की के लिए मैंने हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लिया था, और यहाँ पे मैं ऐसे फ्लैट शेप की टिक्कीज़ बना रही हूँ। आप चाहें तो टिक्की को कोई भी शेप दे सकता है, पर मैं यहाँ पे बर्गर के लिए बना रही हूँ तो मैं उसको इस तरह का शेप दे रही हूँ। और इसमें इसे मैंने पहले ऐसे ब्रेड क्रम्स से पहले कोट कर लिया था, उसके बाद स्लरी में डिप कर लिया, और उसके बाद थोड़े से और ब्रेड क्रम्स से कोट कर दिया। ऐसे डबल ब्रेड क्रम्स से कोटिंग करेंगे अगर आप, तो आपकी टिक्की बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी अंदर से। तो यहाँ पे आज मैं बेसिकली इन टिक्कियों को फ्राई नहीं करूँगी, डीप फ्राई आप चाहें तो कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा हेल्दी वे से बना रही हूँ। तो इसे मैं एयर फ्राई करूँगी, तो बहुत ही कम ऑयल में इसे मैं एयर फ्राई करने वाली हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने सारी टिक्की बना के रेडी कर दी, और यहाँ पे मैंने एयर फ्रायर को भी प्री हीट कर लिया है। ये देखिए मेरी टिक्कियाँ रेडी हो गई है। इसके ऊपर से जस्ट मैं थोड़ा सा ही ऐसे ऑयल स्प्रे से बस स्प्रे कर लूँगी, और इसे मैं एयर फ्राई करूँगी। तो यहाँ देखिए यहाँ पर मैंने इन टिक्कियों को एयर फ्रायर में ऐड कर दिया है, थोड़ा सा ऊपर से और मैंने ऑयल ग्रीस कर दिया है, स्प्रे कर दिया है, और यहाँ पे मैं उसे 20 मिनट्स के लिए कुक कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं हम लोग बनाएंगे बर्गर का सॉस, जो उसके लिए मैं यहाँ पे मेयोनीज़ मैंने लिया है 2 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून अराउंड यहाँ पे मैंने केचप लिया है यानी कि टमेटो सॉस। इसे मैं अच्छे से दोनों को मिक्स कर लूँगी, तो हम लोग का बर्गर का सॉस बन के रेडी हो जाएगा। तो ये बहुत ही हैंडी होता है, बहुत ही ईजिली भी बन जाता है। आप इसको ऐसे मेयोनीज़ और केचप मिक्स करके बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा आपका बर्गर सॉस। तो यहाँ देखिए मैंने बर्गर बंस को रोस्ट कर लिया था थोड़ा सा बटर देकर, और यहाँ पे इसके ऊपर से देखिए मैंने कैसे ये सॉस को स्प्रेड कर लिया है ऊपर से एक लेट्यूस का लीफ, और उसके ऊपर अभी हम लोग जो हमने ये टिक्की बनाई थी वो टिक्की मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो यहाँ पे मेरी टिक्की का इतना अच्छा कलर नहीं आया है, क्योंकि ये हमने एयर फ्रायर में बनाया है, तो इतना ज़्यादा गोल्डन ब्राउन कलर आपका नहीं आएगा, पर ये बहुत ही हेल्दी वे है। अगर आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको वो गोल्डन ब्राउन वैसा सा चाहिए तो आप इसे फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने टिक्की बर्गर को असेंबल कर दिया है, और यहाँ पर एक टूथपिक के हेल्प से इसे रेडी कर लिया है। Hey Divyansh, what are you eating? Veg burger. The yummy veg tikki burger? Yeah. Yes? Tikki what? Yes, the aloo tikki was there. Yeah. It was air fried. Yeah. It's a healthy version. No yeah. oil. No. With zero oil, yeah? Yeah. You like it? Yeah. It's crispy? Yeah. Yes? I say yummy. Yeah, it's yummy delicious. Yeah. Papa is also enjoying his yummy, yummy veg tikki burger. Huh? Yeah. Thank you for making it. Yeah, you also like it? Huh? Yeah. Okay, enjoy. Yeah. Bye-bye. Bye-bye. So guys, ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे खूब सारा लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। गाइस सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलती हूँ आपको एक और अच्छे से ब्लॉग में। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।